हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है वो है एमएससी के ऑन एमएससी और पीएचडी के लिए प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन होने वाला है, जो हम एमएससी लेवल एवं पीएचडी लेवल को प्राइम डिपेंडेंट पार्टिशन थ्योरी एवं एंड क्वांटम मैकेनिक्स का जो एक चैप्टर होती है टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिशन थ्योरी, उसको हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन। नाउ हमारा इस वीडियो में जो होने वाला है वो है द थ्योरी ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिशन थ्योरी। तो हम जो जानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिशन थ्योरी, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट पार्टिशन इसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम कुछ रूल और लॉ जान लेते हैं। फर्स्ट जो हैमिल्टोनियन होता है वो होती है एच एंड एच प्राइम। ये जो होती है ये होती है नॉर्मल हैमिल्टोनियन और ये जो होती है पार्टर्बेटिव हैमिल्टन। तो हमारा जो लॉ लगेंगे उसका मेरे में जान लेते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए जो हम यूज करेंगे वो होती है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के नियम, ये एनर्जी करेक्शन जो होगी वो होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, दिस इज साइन इक्वल टू एन एच एन। ये होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी। और ये जो होगी और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन के लिए जो होगी ई एन टू, जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन के लिए जो होगी वो होगी समेशन एन एम एच प्राइम एन, इसका मॉड का होल स्क्वायर ले लेंगे, ये होगी ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन के लिए। एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए जो वेव फंक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए जो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन और जो वेव फंक्शन जो होगी वो होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो वेव फंक्शन होगी होगी साई इन वन समेशन एम एच प्राइम एन ई एन नॉट ई एन जीरो एंड इसका जो मल्टीप्लाई होगी साई जीरो एम, इसके बाद ये आता है, ये होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन जो होगी ये होगी। ये जो होगी नॉन डिटरमिनेंट इस टोटल जो भी हमने लॉ देखा है वो होगी फॉर नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल। फॉर डिजेनरेट एनर्जी लेवल डिजेनरेट एनर्जी लेवल के लिए जो होगी वो होगी फॉर
फॉर डीजेनरेट एनर्जी लेवल डीजेनरेट एनर्जी लेवल के लिए जो होगी वो होगी जो वेव फंक्शन जो होगी जो आइगन वैल्यू वेव फंक्शन जो होगी लेट साई एन नॉट और साई एल जीरो उसका जो आइगन वैल्यू का जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगी वो डीजेनरेट एनर्जी लेवल सो वो होगी एल. दिस इज द डीजेनरेट एनर्जी लेवल. सो फाई होगी सी एन साई एन जीरो प्लस सी एल साई एल जीरो. और जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो होगी वो होगी एच एन एन प्राइम माइनस ई वन ई एन वन एच प्राइम एन एल एच प्राइम एन एल एच एल एल प्राइम ई एन वन इक्वल टू जीरो होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन. एंड द corrected energies are En equal to En naught plus E1 n plus El equal to E0 n E1 n minus. The first order correction and this Cl CN, this is a constant. Okay. So please subscribe my channel.